नमस्ते दोस्तों, हिंदू रेस्पॉन्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आस्क नीत यूट्यूब चैनल के एक वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें उसने सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के द्वारा कुरान के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है कंप्यूटर, जाकर लोहारी या सुतारी सीखो। बार बार आ जाते हो और बार बार मुझे तुम्हें इंसल्ट करके बाहर निकालना पड़ता है। उस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कीजिए। चलिए आस्क नीत की वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके आस्क नीत चैनल में, जहां हम बात करते हैं तमाम धर्मों के बारे में, वो भी उनकी धार्मिक किताबों के प्रूफ के साथ। अंकुर आर्य ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने बात कही थी कि इस्लाम का जो इतिहास है वो बड़ा ही शर्मनाक है, क्योंकि मुसलमान लोग इस बात को मानते हैं कि ये पूरी इंसानियत जो चली है वो एक इंसान से ही चली है, यानी कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से, यानी कि लड़की भी पैदा करेंगे और वो पैदा कर दी। तो काबिल के साथ में एक लड़की पैदा हुई और हाबिल के साथ में दूसरी लड़की पैदा हुई। अब क्योंकि उससे पहले कोई भी अन्य मनुष्य नहीं था, सबसे पहले हुए आदम, अब उनके ही पुत्र और पुत्री हुए हैं। अब ये आगे जनरेशन को कैसे चलाएं? अब ये जनरेशन का जो पेंच है, यहां पर अल्लाह मियां थोड़े से कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एक आदेश उतारा, आदेश ये उतारा कि जो आपकी जुड़वा बहन है आप उसके साथ में शादी नहीं करेंगे, जो दूसरी जुड़वा है उसके साथ में भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा एक सिस्टम हो सकता है कि हाबिल काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की के साथ में शादी कर सकता है और काबिल हाबिल के साथ में पैदा होने वाली लड़की के साथ में शादी कर सकता है। ऐसा आदेश हुआ और यह आदेश हुआ अल्लाह मियां का, लेकिन उसको पहले ही इंसान के पहले ही बेटे ने नकार दिया। कौन था वो? काबिल। यानी कि अल्लाह मियां के आदेशों का खंडन पहली दूसरी जनरेशन से ही होना शुरू हो गया। काबिल ने क्यों खंडन किया, क्यों कहा कि मैं हाबिल के साथ में पैदा हुई अपनी सगी बहन से शादी नहीं करूंगा? क्योंकि काबिल के साथ में पैदा हुई जो कन्या थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामिक रवायतें कह रही हैं, इस्लामिक किताबें कह रही हैं। काबिल ने कहा मैं हाबिल के साथ पैदा हुई अपनी सगी बहन के साथ शादी नहीं करूंगा, मैं अपने ही साथ में पैदा हुई सगी जुड़वा बहन के साथ में शादी करूंगा। और उसका कारण क्या है? वो ही कारण है जो इस्लामिक कौम का पूरा कारण है आज भी, खूबसूरत लड़की। मैं अपनी सगी बहन के साथ में शादी करूंगा क्योंकि खूबसूरत है। लेकिन हाबिल कहां चुपचाप बैठने वाला था? उसने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ में शादी करूंगा क्योंकि ऐसी रवायत है और इस रवायत को हम झुटला नहीं सकते हैं, तू मेरी साथ में जो पैदा हुई है लड़की उसके साथ में शादी कर। और यहां आकर के दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। अब ये दोनों भाइयों में झगड़ा किसको लेकर के हो रहा है, किसको लेकर के हो रहा है? तो आप इनकी क्लिप देख चुके हैं, तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि दुनिया के अंदर जितने मजाहिब हैं वो सब इस बात को मानते हैं कि इंसानियत एक इंसान से चली है। अगर आप क्रिश्चियनिटी देखते हैं तो उसके अंदर भी यही बात आती है कि हज़रत आदम से और हज़रत हव्वा से चले हैं, और अगर आप इस्लाम धर्म को देखते हैं तो इस्लाम धर्म के अंदर भी यही बात आती है, और अगर आप पुराणों को देखते हैं तो उनके अंदर भी यही बात आती है। लेकिन हम यहाँ आपको पुराणों से प्रमाण नहीं देंगे, बल्कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ वेद के प्रमाण देंगे, क्योंकि आर्य समाज ही वेद को तो मानते नहीं है, पुराणों को तो मानते नहीं है, बल्कि सिर्फ वेद को मानते हैं, और वेदों को भी वही जो स्वामी जी ने और उनके शिष्यों ने उसका अनुवाद किया हो। तो यहाँ पर आस्क नीत कह रहा है कि जो भी सच्चे सनातन ने कहा वो सब कुछ झूठ है, और मैं भी मानता हूँ कि सच्चे सनातन झूठ बोल रहा है। अगर आस्क नीत एक शिया मुस्लिम है तो जो कुछ भी सच्चे सनातन ने कहा वो सुन्नी मुस्लिम्स बिलीव करते हैं, लेकिन आस्क नीत के जैसे शिया मुस्लिम्स के अनुसार अल्लाह ने जन्नत से दो हूर यानी वर्जिन लड़कियों को लेकर आया है और उनके साथ आदम के पुत्रों ने सेक्स करके बच्चों को पैदा किया। ये कोई रंडी कह रहा है, ये कोई रंडी कह रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आस्क नीत एक शिया मुस्लिम है तो उसने ये बात क्यों नहीं बताई? उसके वीडियो थंबनेल में तो उसने जवाब कहकर लिखा है, और सत्य सनातन के प्रश्नों का जवाब ये है। इसका मतलब आस्क नीत एक शिया मुस्लिम नहीं है और जानबूझकर सत्य सनातन के बातों को झूठ कह रहा है। दूसरा, आस्क नीत को जवाब पता नहीं है। चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। तो मैं आपको पहले दिखाता चलता हूँ कि बहन और भाई के विवाह के बारे में वेद क्या कहते हैं। तो अथर्ववेद अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 18वें कांड के
पहले सूक्त अगर पढ़ते हैं तो इसमें यह बात लिखी है, यमी है, यम और यमी है। इसी कांड के मंत्र नंबर 8 में अगर हम देखते हैं तो यम के बारे में लिखा है कि यम भाई है और यम बहिन है। तो अगर इसी के पहले और दूसरे सूक्त को हम पहले मंत्र को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि गर्भ में ही परमेश्वर ने, यमी कह रही है कि गर्भ में ही परमेश्वर ने हम दोनों को पति पत्नी बना दिया था। और ये मंत्र अथर्व वेद में नहीं बल्कि ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 10 में भी आया है। वहाँ पर भी यम और यमी दोनों भाई बहनों का तस्करा चल रहा है। और यमी जो बहन होती है वो कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें यानी कि मेरे भाई को मुझे उसके अपनी माँ के पेट में ही उसका उसकी पत्नी बना दिया था। अब जो अंकुर आर्य हमसे सवाल कर रहे थे ये तो सवाल उन पर ही लौट कर आ गए हैं। देखो इस झूठे को, यहाँ पर अंकुर आर्य का प्रश्न ये है कि इस्लाम में भाई अपने बहन से इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो खूबसूरत है। मैं भी मानता हूँ कि जब सृष्टि के आरंभ में फैमिली के अंदर ही शादी या सेक्स करना गलत नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं था। शिया मुस्लिम्स के अनुसार अल्लाह ने इसी कारण जन्नत से दो वर्जिन लड़कियों को लेके आया है। मगर आस्क डे ने अंकुर आर्य का प्रश्न को ही बदल डाला। अंकुर आर्य का प्रश्न ये है कि इस्लाम में भाई अपने बहन से शादी करता है क्योंकि वो खूबसूरत है और आज भी इस्लाम में फर्स्ट कजन से शादी का ट्रेडिशन चल रहा है, एक गलत बात है। लेकिन आस्क डे उस प्रश्न को ही बदल कर कह रहा है कि भाई बहन के शादी के बारे में हिंदू ग्रंथों में भी लिखा गया है और वेदों के प्रमाण से साबित करेगा। अब चलिए अथर्ववेद कांड 18 को देखते हैं। यहाँ पर हिंदू स्कॉलर्स के अनुसार यम और यमी डे और नाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यमी और यमी इंसान नहीं है। लेकिन अंकुर आर्य इंसानों के बारे में सवाल पूछ रहा था, मतलब आज के दिन अपने व्यूअर्स को फिर से बेवकूफ बना रहा है। इस सूक्त में यमा कह रहा है कि अगर भाई बहन शादी करके बच्चे पैदा करेंगे तो अगली पीढ़ी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। ये एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब वेदों में बायोलॉजिकल साइंटिफिक फैक्ट भी है। और इन सूक्तों को देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यमी किसी और से शादी करेगी और यम किसी और से। अब पहला प्रश्न, क्यों यमी यमा से शादी करने के लिए पूछ रही है? उसका समाधान, वो सब कुछ एक परीक्षा था। यमी यमा को टेस्ट कर रही थी, क्या वो मोह में आकर धर्म को छोड़कर मुझसे शादी करेगा या नहीं। अब ये टेस्ट क्यों? ये टेस्ट इसलिए क्योंकि यम को धर्मराज के पद के लिए योग्य है नहीं देखने के लिए। अगर आप पूरे संवाद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यम जस्टिफिकेशन देती है कि क्यों भाई बहन शादी और सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन यम यमी के बातों में नहीं आकर उसे गलत साबित करता है, जो एक धर्मराज या न्यायाधिकारी के लिए होने का पहला प्रमाण है। उस संवाद का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मतलब अंकुर आर्य ने यह प्रश्न पूछा कि इस्लाम में एक भाई अपने बहन खूबसूरत होने के कारण उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आस्कडिन ने उस क्वेश्चन को ही चेंज करके देवी यमी और देव यम के संवाद जिसमें कहा गया है कि भाई और बहन की शादी गलत है, उस चीज को उसने इस्लाम से कंपेयर किया है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। उसके बाद उसने बृहन्नयति का उपनिषद से उसी तरह एक झूठी स्टोरी कहा है। बृहन्नयति का उपनिषद आदि शंकराचार्य के भाष्य से समित किताब का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स।